नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज बात करेंगे WhatsApp के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp एप्लीकेशन को e-commerce प्लेटफॉर्म की तरह कैसे यूज़ करना है। WhatsApp एप्लीकेशन केवल चैट करने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए या अपने फ्रेंड्स के साथ ऑडियो कॉल करने के लिए ही नहीं बना है। आप WhatsApp को एज ए e-commerce प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और WhatsApp पे आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और उसे सेल आउट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि WhatsApp जो है एक मैसेजिंग ऐप है, इसे e-commerce की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कैसे आपको WhatsApp पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना है और कैसे आप दूसरे e-commerce जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपसे कमीशन डिमांड किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े e-commerce साइट है वहां पे आपको कमीशन देना होता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, लेकिन WhatsApp पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे और यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वो तरीका है, कैसे आपको आजमाना है, सब कुछ आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहें शुरू से अंत तक और अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WhatsApp आज के समय में केवल एक मैसेजिंग ऐप नहीं है। WhatsApp को आप e-commerce प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो e-commerce सेलर हैं वो WhatsApp पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, WhatsApp के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अगर आप भी e-commerce प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लेकिन WhatsApp को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे WhatsApp में प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और कैसे WhatsApp से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू कमर हैं, फ्रेश हैं और आप बिल्कुल नया नया आप शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग का काम, तो WhatsApp से शुरुआत करें क्योंकि WhatsApp पे आपसे कोई कमीशन नहीं लिया जाता है और आसानी से आप WhatsApp के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो बगल में आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है और प्ले स्टोर में WhatsApp बिजनेस का जो एप्लीकेशन है वो आपको सर्च करना है, उसे ओपन करना है और उसके बाद अगर आपने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, अभी तक आप बेसिक WhatsApp चलाते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में शिफ्ट करना है। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आप देखेंगे जितना भी आपका डेटा है वो भी लॉस नहीं होगा, पुराने WhatsApp से इसमें खुद ब खुद आपका जो सारा डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा, स्विच हो जाएगा और उसके बाद आप WhatsApp बिजनेस को भी अपने जो पुराने नॉर्मल WhatsApp है उसके तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुछ बेहतरीन फ़ीचर्स मिलते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं वो जो फ़ीचर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी काम के हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ही आप टॉप राइट में आप देख रहे होंगे 3 डॉट का आपको निशान नज़र आ रहा होगा, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो है बिजनेस टूल्स, इस बिजनेस टूल्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, ग्रीटिंग मैसेज, क्विक रिप्लाई, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। नीचे में आपको एडवर्टाइज़ ऑन फेसबुक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं वो फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट करते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप WhatsApp पे ट्रैफिक को आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फेसबुक के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस प्रोफाइल को कैसे भरना है। सबसे पहले बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जाना है और जो भी बिजनेस नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। डिस्क्रिप्शन में अपने बिजनेस के बारे में आपको डालना है, किस तरह का आप बिजनेस करते हैं, होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है कैटेगरी में। कैटेगरी में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, व्हीकल्स सर्विस है या क्लोथ आप बेचते हैं, आर्ट एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपका बिजनेस है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एजुकेशन है, इवेंट प्लानर है, फिनांस है, ऐसे आपको ढेरों कैटेगरीज यहाँ पर मिलते हैं। तो जो भी कैटेगरी आपके बिजनेस को सूट करता है उसे आपको यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन आएगा, बिजनेस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और कंप्लीट एड्रेस जो है आपके बिजनेस का यहाँ पे आपको फिल करना है। नीचे में मैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने लोकेशन को सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद बिजनेस आवर्स में जाना है और यहाँ पर शेड्यूल में क्लिक करना है। शेड्यूल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओपन
फॉर सिलेक्टेड आवर्स पे क्लिक करके आप किस किस टाइम में किस दिन में आपका जो ऑफिस है वो ओपन होता है, लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको फिट कर देना है। जैसे मंडे अगर आपका ऑफिस ओपन होता है तो मंडे इस तरह से आपको ऑन कर देना है। टाइमिंग मॉर्निंग कब का रखना है, कब तक रखना है इवनिंग में, वो आपको यहाँ पे सेट करना। संडे क्लोज है तो इसे आपको ऑन नहीं करना। इस तरह से आपको टाइमिंग जो है वो सेट कर लेना है और उसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में अगर आपका कोई ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका कोई वेबसाइट है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे आपको एक तरफ प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, एक तरफ मैनेज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो कैटलॉग मैनेजर वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कैटलॉग को आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। ऐड न्यू आइटम पे जाना है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कैटलॉग को यहाँ पे सेट कर पाएंगे। कैटलॉग डालने से पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन्स आपको डालने को कहा जा रहा है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कैटलॉग यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड अ कस्टमर केयर सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप कस्टमर केयर का आप एक नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्ट्स को सील करते हैं और आपके जो कस्टमर हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्ट्स में कोई इशू आती है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने प्रोडक्ट्स के लिए रेजुलेशन वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कस्टमर केयर का जो नंबर है वो डालना रहता है, वो आप अपना नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर केयर का नंबर डालना है। वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जब वो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करती हैं तो उस वक्त वो यहाँ पे अपने जो कस्टमर केयर का नंबर होता है वो यहाँ पे डालती हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना नंबर सिंपली डाल सकते हैं क्योंकि आप एक प्रोप्राइटर हैं और सेल्फ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर का भी ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन है, तो ईमेल एड्रेस में भी आप अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से कस्टमर केयर में आपको मोबाइल नंबर एंड एक ईमेल आईडी आपको डालना रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक जाना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड ग्रेवियंस ऑफिसर। ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं वो कस्टमर के रेजोल्यूशन के लिए एक ग्रेवियंस ऑफिसर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, आप एक बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना खुद का जो डिटेल है कस्टमर केयर में जो आपने अपना नंबर डाला है वो भी आप यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉपी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस तरह से जो सेम नंबर है आप देख सकते हैं मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नंबर एंड जो मेरा ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आके सेव हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवियंस ऑफिसर में जो मेरा कस्टमर केयर का जो डिटेल है वही मैंने डाला है। ऊपर में केवल मुझे एक नेम जो है अपना वो ऐड करना पड़ा है। अब यहाँ से मुझे बैक जाना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे आपका जो कैटलॉग मैनेजर का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ऊपर में सेंटर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड इमेज और उसके बाद आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटो है आपका जो भी प्रोडक्ट है इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रोडक्ट लिस्ट करके, तो ये जो पिलर है ये मैं यहाँ पे इस तरह से मैं लिस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं इमेज, आप चाहें तो एक से ज़्यादा मैक्सिमम इमेज यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से आप इसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रूट पिलर, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है डिटेल है यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, या दूसरे किसी कंट्री से प्रोडक्ट को आपने इंपोर्ट किया है चाहे वो चाइना हो या और भी कोई दूसरी कंट्री है तो यहाँ पे ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो कैटलॉग है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर चुके हैं। तो बिज़नेस डिटेल एंड कैटलॉग को अपलोड करने के बाद जब भी कोई कस्टमर आपके बिज़नेस प्रोफाइल को ओपन करेगा तो वहाँ पे उसको आपके बिज़नेस डिटेल एंड कैटलॉग का जो इमेजेस जो आपने डाले हैं प्रोडक्ट्स के सारे उसको वहाँ पे नज़र आएंगे और कस्टमर जो है डायरेक्टली इमेज पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट्स को ऑर्डर भी कर पाएगा। जितनी भी क्वांटिटी में उसको चाहिए वो डायरेक्टली आपको मैसेज वहाँ से कर पाएगा प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये आपको व्हाट्सएप पे मिलती हैं। और अब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, आपको फेसबुक पे सिंपली जाना है और वहाँ पे आपको जाके सर्च करना है सेल्स एंड बाय ग्रुप। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे जिस पे 1 लाख प्लस जो मेंबर्स हैं वो ऐड है, वहाँ पे जाके आपको अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करना है।
आपको जाके सिंपली वहाँ पे ग्रुप सर्च करने हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे और हर ग्रुप्स में जाके आपको प्रोडक्ट्स को जो है वो पेस्ट करना है। अगर किन्हीं को भी आपका प्रोडक्ट जो है वो पसंद आएगा तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फेसबुक के माध्यम से मैसेज करेंगे, उनको आप अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है, सेल्स एंड बाई का ग्रुप क्रिएट करना है और वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आपको उस ग्रुप में जोड़ना है। जितने भी ट्रैफिक आएंगे आपके पास फेसबुक के माध्यम से आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, उनको आप अपने ग्रुप का लिंक सेंड करें व्हाट्सएप का और उनको आप अपने ग्रुप में ऐड करें। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका ग्रुप है वो बड़ा होगा और उसके बाद जो भी नया प्रोडक्ट आपके पास आएगा उस ग्रुप में आप शेयर करें और उसके बाद जो भी उस ग्रुप में उस प्रोडक्ट को लेना चाहेगा वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और इसी माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, जो होल सेलर्स हैं, जो दिल्ली में या मुंबई में बैठे हुए हैं, जिनकी कंपनीज़ हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके और अपने प्रोडक्ट्स को ग्रुप में शेयर करके ही प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और उन्हीं से प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आसान है। आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे अकाउंट बनाना है। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, प्रोडक्ट को लिस्ट करें और प्रोडक्ट सेल करना शुरू करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।